कितने कीमत का मछली है बताओ। अरे यार मत समझो, 20-25 लाख रुपए समझो मछली है। देखा तो कई कई जने मिलकर खींचा था, पकड़ खींचे हैं। छोटवार छोटवार ही आ रहा होगा, ललकी तो उड़ने हुए। अरे मंडल हो देखो, पूरा परिवार वही में है भाई। अरे झुकाओ के क्या लेके जा सकते हो। भैया जब हम बहरवा खड़ा रहे करीब 1.5 से 2 घंटा तक के, तो हमार हालत खराब हो गए। इतना तेज हवा चलत रहा, हवैया से एकदम से पूरा एकदम जान लो कि कांपे लागे रहे। अब बताओ जब पनिया में यहाँ खड़ा होकर मछलियाँ मारत रहा, देखबे कि हो हाई बाप, वही कैसे पनिया में खड़ा रहे, कितना हिम्मत की हिंदा हुई है। तो जो कुछ रहा वीडियो में आज हम दिखाएंगे आप लोगों के यहाँ। और वीडियो हमारे समझ से तो भाई बढ़िया है। आप लोग का कहा था, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे अगर पहली बार आया हो तो चैनल की हमें सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो। और वैसे कुल वीडियो हम हेरी थे ही कि आप लोगों के हम दिखाई। अब इससे बढ़िया वीडियो, इससे बढ़िया एडवेंचर, खतरनाक पानी में यहाँ हल्के मारे के हवा में यहाँ खड़ा रहो, ना वहीं आग ना पानी, और आगों में रहता रहा तो कम से कम 20 जने घेरे रहते हैं, अशियों नहीं लागे। तो यह कुल जब मिले थे तो दिखाओ तो मजा आओ था, और दिखाई दी थी कि हवैया कितना तेज चलत है, वो नहीं जान रहे थे ना, लेकिन अब भी दिखाई थे हम बस। देखो ये झंडा हुआ है, झंडा कितना तेज लहरा था। उसके बाद में यहाँ देखो बड़का झंडवा देखो। अब सोच लो कि कौन मेर के हवा चलत है, यहाँ दिखाई दी थोड़ा सा, यहाँ देखो हर 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 एकदम से चलत है। अरे हवा नहीं हुए, जान ले वाला हवा चलत है एकदम से। तो चलो आज की वीडियो ही ख़त्म भैया, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप लोग, उम्मीद गए थे कि आप सब ठीक हो। एक घंटा से भैया हम सोची थे ही कि आज हम का बोली अपने वीडियो में, यहाँ दिमाग में कुछ आवत ना है, दिमाग एकदम काम करब बंद कर दी इस ठंडी की वजह से। एक तो रात भर लाइट नहीं रहा, लाइट की वजह से भैया पूरा रात हो गया हम परेशान, ठंड लागे एकदम वैसना बताइए कह रहे हैं कि वह कंबलिया ओढ़ित है। अब जब लाइट नहीं आवा तो हीटर कहाँ से आन के ली हम, कौनों में तो रात गुजर गए। तो स्वागत है आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल राइडर UP 47 में। तो चलिए थे आज की वीडियो शुरू की थे। अब आज क्या होने वाला है पूरा दिन पता नहीं है, 3 दिन से वीडियो शूट होते नहीं है, अब आज है 4th दिन। आज ही देखो क्या होने वाला है, बताई ना कि देखो जुमाबाद हुई तो जुमाबाद जावा जाई, अगर होई गए सूट तो ठीक है, ना सूट हुआ तो अपन आयन गायन बाकी चीज़ दिखाई दिहन। मौसम बहुत ख़राब है, एक तो नहाई भवा जब हमें तो वह एक मुसीबत हो गए। अब जब लाइट रहा थे तो मोटर आन कर दियो, उसके बाद में बाल्टी लगाई दो, खर 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 नहाई दिया, टंकी नीचे बैठ के नहाई दियो। अब भैया नल चलाए ना, उसके बाद में तब नहाएँ 3-4 बाल्टी, और इतना बुरा जलाई गए भैया कि अब का बताइए हम। तुरंत ही कपड़ा वपड़ा पहन लिए, और रोजे रहत रहा नहात रहे, नहाए के बाद में हीटर आन रहा था, अपन जाए बैठ जाते हैं सामने, गर्मा जाते हैं एकदम वैसे ना। लेकिन ही आज कुछ नहीं, आज तो जान लोग वैसे रह गए एकदम, गुड़गुड़ाई थे जड़ाई थे एकदम से। लेकिन समझ में आया होता कि आज हम कौन से टॉपिक पर बनी गए। वहाँ से चलें भैया तो आए खेते पर, यहाँ खेत हो तो अपन देखें, लेकिन आज खेत के वीडियो हम नहीं दिखाएँ। तो इस सोच के हम चले रहें कि आज चली थे वैसे, और हो सका थे पोखरवा में आज मछली उछली मारत हुए, तो आज हम दिखाई दिए आप लोगों के यहाँ बहुत जमाने के बाद में है यह पोखरा कही हम मछली मारत देखे जाई थे। देखो भैया जाल डाले हैं अपन, खींचत है ही पानी में यहाँ, और वहाँ है सब ये बहुत पुराना पोखरा हमारे गांव का है, जब से हम पैदा भए हैं हो समय तब से देखी थे हमें का। लेकिन जानो वसों से हमारे फिर मछली पालन हुए लाग है, तो बीचे में यहाँ होते नहीं रहा बहुत सालों तक। तो चली थे वह भीड़ पर यहाँ वहाँ से दिखाई था हम। तो मन्नान भाई बताया ना यार, क्या बोले हमें कि आज मछली मारे जाये थे, शिकार होते भाई। हाँ वो तो हम अचानक आ गया तब देखे ना, तो ये मछलियाँ कहूँ बाहर भेजे है। हाँ बाहर जाए भाई। कहाँ जाये, आसाम जाये कि वहाँ सिल्लीघोड़ी जाये। सिल्लीघोड़ी जाये। सिल्लीघोड़ी जाये यानी पुराने रास्ता अपनाया हो। हाँ, वही पुराना प्रधान जी वाला। प्रधान जी वाला सिल्लीघोड़ी। अच्छा और कहाँ गये हमें तुम्हारे प्रधान जी भी घरे अभी सोवत है। हाँ, रुक जा खींचा थे जाल, उसके बाद में किनारे पहुंचे थे तब दिखाई थे तमाशा हम बढ़िया से मछली के,
लेकिन बहुत अरसे के बाद में है यही साल में यहाँ जान लो कि हमारे बिट्टू प्रधान जी एक पखरा अपने मतलब उमहन लेकिन पट्टा बन चुका है तो यहाँ मछली उछली जाए थी तो इससे पहले मन मछली ना इतना कूड़ा करकट रहा था कि अब क्या बताइए। और पहले टाइम पे यमन हमारे नहाए आते हैं तो बताए थे जंगी बिछो मछली आई जा पकड़ ली वैसे मरते पनिया में सही बताई थे खरीदे वाले गुलफाम भाई ये गुलफाम भाई खरीदे वाले है यही पर पूरा मछली लेके जाइए है जितना निकले सब ले जाओ हाँ जितना निकले सब लेके जाओ जी भाई। अरे तो यार निकले तो कम से कम कुंटल समझो ही तालाब है आप 100 कुंटल मछली अभी निकली है 100 कुंटल तालाब में है समझो 100 कुंटल निकल चुका और समझो 100 कुंटल अभी और निकली कई बार राउंड हुए अरे समझो सब हवा हुई मार दिया बहन 10 बार लेना तो सब पूछे तो तय का कहे 10 बार होए मैंने अंदाज बताई था 10 बार समझो मछली 10 बार हुई। देखिए भैया ये हमारे साथी संघरिया हो है इतना बड़ा झूठा फराड है कि क्या बताइए हम जैसे एक नाम पूछे नहीं कि मछलियां मरबे और भी नहीं मछलियां तो तुका खाई खयार यही नाते तो हम जानो हम जनते नहीं रहन खाली खेत देखे नाते इसे चला आए रहन तो वहां देखन कि यहां जाल पड़ा है बहुत सही किस्मत रहा कि जो सही टाइम हमारे दिमागों में आई गया चौराहा जब पहुंचे इनके घर लगाई तो हम कहन कि ला यार इसी घूम जाइए वैसे रह जाबे तब चला आए रहन कितने कीमत का मछली है बताओ। अरे यार इम्मा तो समझो 20-25 लाख रुपए समझो मछली ही ओकरे बाद में ओकरे बाद में अभी इतना बड़ा तालाब संघर्ष है साल भर हो ही गए। अरे तो मेहनत है भैया वैसे वैसे थोड़ी है रात दिन ही यक्की है रात है भैया लोग वहाँ झोपड़ी ओपड़ी बना वहाँ देखो अरे देखा है झोपड़िया में वहाँ देखा वहाँ झोपड़ी भीटा पैसा बना देखो देखा तो कई के जने मिल के खींचा था और यह पनिया में आई केकरे हिम्मत हुई हले के यहाँ देखो रजाई छोड़े तो मन करते ना है तो पानी के हली पकड़ खींचे हैं जोर लगा के बोलो यार जोर लगा के है या हाँ तब तो जान मिली लायरे जिनका कहाँ भी यूरिन लाग लेते हैं कहाँ भी यूरिन लाग वहाँ बच्चा है कहीं 100 ग्राम वाले बच्चा चला जाए प्रधान जी भैया आ गए हैं ले आओ अच्छा ले आओ बहुत देर के बाद भी जब आधा काम हो गया तब पहुंचे कहां है प्रधान जी भैया हम नहा धो रहे हैं भैया नहाए पूरे रजाई में रहे हो नहीं भैया हम नहा भाई के सब लोग रहे हैं तो एकाध लोग आए तो ज्यादा तो है और तो मन नाम रहे सुबह से हां वो बात है ना अरे यार यही वही दिन हम फारत बाबा भी आ गए हैं यह देखो ठंडी में यहाँ रजाई नीचे रही थी तो भाई यहाँ हवा चल रहा था इतना तेज भैया पुर्णिमन के ठंडी में कहाँ रजाई मिली बहुत मेहनत के बाद भी यहाँ अब जाके किनारे पहुँचे हैं थोड़े थोड़े और मछली के देखो कूदे फाने लगी ही लेकिन चाहे जो कहा बाबा बहुत मेहनत के काम है यह ठंडी में यहाँ पानी भला भी है अच्छे अच्छे भल्लू फोटो आवे भल्लू फोटो तो है पूरा एकदम से ये देखा था लगा के जोर हैया ये मेन इस तालाब के गार्जियन भल्लू हैं अच्छा देखभाल हाँ, मतलब इन्हीं के अंडर में है भल्लू के अंडर में है यह बात है ये मछली रातिम कुदावत है हाँ रातिम कुदावत सिधरियो निकली है कुलहो भगाई देखो आए सिधरियो निकली है आए भगाई देखो आए भाग सिधरी बीने भल्लू भागे हैं अभी अभी अब जाल जसस किनारे आई वसस मछली वही भैया अपन कूदे फारे शुरू कर दी है अब देख सके तो भैया कि के मेर के मतलब ये मछलिये अपन तन गए लागी ही बस थोड़ा टाइम और है वगैरह बाद में जाल एकदम से किनारे आई जाई फिर मारे शुरू कर दी है देख तो जल्दी जल्दी खींचे यार ये ठंडी बहुत है ना अरे ठंडी में हरा कर अच्छे अच्छे कीमत में पड़ी ये निकारी ने पास जब लास्ट में बन गया उन्हें नीचे तब आई है कोई वो है तो ये देखो आय रे बाप ए जोन जाले के ऊपर होगी तुम गई बाहर ये अरे वही भाई हां भाई 6 तारीख को आएंगे गुलफाम अच्छा एक बाजू में प्रधान जी कितना मछली आ जाती है अच्छा एक बाजू में
अगर सारा निकाले तो अरे यार बहुत बुरा भरी गई यार वहाँ कुछ नहीं निकाली नहीं हुआ धोए जलवे डाली नहीं हाँ वो तो बतावा तो है अधवाय है फिर निचोक मछली थोड़ा ना डाला था अभी दबा ना ही निकालो है ना अभी यहाँ पर नहीं है बच्चे छोड़ा है अभी जब आवे तो निकल जाए तब डालेंगे छोटवार छोटवार ही यार आओगे और वहाँ है और वहाँ है बता हाँ कई बाजी दिखाई यार दिखाएं तो बोले दे कुछ ना बोल दे कि हमारे पोखरा में आज मछली मारा जाता है बखाई दिखाई भर करी चौधरी को हराए जे हरियन दस किलो का करीका पंद्रह किलो ग्राम सोचते हैं पलटू आई बी आर का बाजी है मेरे तो तारीख हो ये बताओ तुम्हारे भान कौन कौन मछली थी भाकुर नैनी ग्रास सिल्वर बेगट हाँ कुछ तो बेचा का यानी कुल वैरायटी के ही ऐसा ना है कि मतलब ये मछली ना है वहाँ सब मछली वो है तो देसी मछली सब नहीं देसी मछली तो बढ़िया रहते हैं यार अब निकल जाए तो उसके बाद में दिखाई वो है पकड़ लगा है एकदम से हाय लिए बे अरे वो कोनो काम नहीं चला वह जुवाला खाए बस जुवाला चला गया है हंस कथा आज जुवाला एक दिन का सिर्फ और बस कितने दिन का वह जुवाला खाए क्या टकर भाई हाँ बोल भाई मछली कौन बढ़िया होती है मछली तो रोहू बढ़िया कोनो मछली नहीं होती हाँ तो रोहू से बढ़िया कोनो मछली नहीं होती भाई ललकी मछली ललकी तो उन्हें हुए कामन कामन करवाए हाँ पिढ़ जगह कहा था हाँ अरे मन्ना रहो देखो कूद ना प्रयास ही नहीं है नहीं भाई अरे झुका हो कहीं क्या ना कूदे जा तो तू नहीं देखी था नहीं कटी यार कहे की टेंशन देते यार काटे करके बनाई है ये देखो देखा तो कितना लोग खड़ा है देखे करती चारों तरफ से ये है मन्नान बल्लू काटा ले आए भैया अभी तो वहाँ तक है भैया मारे खाए गवई के पैदावारी बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा तीन घंटा पानी में यहाँ हलग बाद में यहाँ जालिम जितना मछली फंसी सब वह देख लियो एक ठू जाल में यहाँ निकाल के और पूरा खींच के अब लेके आओ थे डांडे पर यहाँ अब ओकरे बाद में भैया वजन करी है कितना निकली है कितना नहीं निकली है और अभन रोहू सिल्वर और बीघट शायद यह इतना मछली ही तो बहुत मछली बताइए कि नहीं कि मन बहुत मछली ही अब केकरे इतना बड़ा करेजा हुई केकरे इतना बड़ा हिम्मत हुई कि जो ढाई तीन घंटा यह ठंडी में यह कड़ाके ठंडी जो हवा इतना तेज यह देखो निकल निकल के आया है तापत है सबने इतना बुरा जड़ा नहीं वही पैरा रख रहा पैरा उठा लेके आए वह बारत है वह तापत है और जेकर हुए खड़ही ते बोलत है अपन अब लेके जाते भैया और निकलिए है बाहर तब दिखाई थे हम चिनमुन बाबा बुरट लेके आग पहुँच गए देख लियो मछली के यहाँ जिंदा रखे गई पानी भरे थे वही में पूरा मछली डलिए जो ली और ये लड़कियन के तो भैया ठंडी लगते नहीं देखा तो किस खेला कूदा थे कब रही हाँ हाय रे बाप लड़के बड़ा शैतान होते चाहे जोन हुए अब ये देखो खींच के लेके आओ थे डांडे पर यहाँ थोड़े थोड़े लई हैं जितना वजन करे हुई उतने उतना लई हैं
ओकरे बाद में देखो तमाशा जबरदस्त, ये लड़किया है वही मैं यहाँ पे डली है, वही से अपन तौली है, वही का धारा वारा बनाई दी थी एकदम से। लेकिन हाँ यार, यह पोखरा के जो मछली ही बहुत अरसे बाद में जानो हम देखे हैं मारक में, तो बचपन में यहाँ देखते रहन जब प्रधान जी रहे हैं पुराने प्रधान ही, तब मछली मारत रहे सीधे आसाम सिल्ली घोड़ी कटक बंगाल, तो कहाँ कहाँ ले ले जाते रहे मछली, स्पोर्ट होती यहाँ से, अन्य सबका मछली नहीं देते हैं लोकल के, यहाँ सीधे बाहर जात रही और ट्रक पल्लत के जात रही, बर्फ में लग के जात रही, यही मेर के मछली जात रही। अब तो जानो यहीं के व्यापारी आवत हैं अपन खरीद लेते हैं लेके चला जाते हैं, अगर वीडियो में बताबे कि हन और हमारे आवत हैं जब मछली मारत हैं, साल में यहाँ दुई बाजी हमारे ख्याल से मारा जात रहा ठंडी में यहाँ, उसके बाद में फिर बंद, फिर साल भर बाद में बंद मारे, और वही में अपन पैसा ही अच्छा खासा आ जात रहा। भैया जब हम बहरवा खड़ा रहन करीब 1.5 से 2 घंटा तक के, तो हमारे हालत खराब हो गए, इतना तेज हवा चलत रहा ही, हवैया से एकदम से पूरा एकदम जान लो कि कांपे लागे रहन। अब बताओ जब पनिया में यहाँ खड़ा होकर मछलियाँ मारत रहा, देखबे कि हो हाई बाप, वही कैसे पनिया में खड़ा रहे, कितना हिम्मत की हिंदा हुई है। तो जो कुछ रहा वीडियो में आज हम दिखाएंगे आप लोगों के यहाँ, और वीडियो हमारे समझ से तो भाई बढ़िया है, आप लोग का कहा था, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो, और चैनल पे अगर पहली बार आया हो तो चैनल के हमें सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो। अब ऐसे कुल वीडियो हम हेरी थी कि आप लोगों के हम दिखाई, अब इससे बढ़िया वीडियो, इससे बढ़िया एडवेंचर खतरनाक पानी में यहाँ हल्के मारा के हवा में यहाँ खड़ा रहो, ना वहीं आग ना पानी, और आगों में रहता रहा तो कम से कम 20 दिन घेरे रहते हैं, असियो नहीं लगे। तो यह कुल जब मिले सही तो दिखाओ तो मजा आओ था, और दिखाई दी थी कि हवैया कितना तेज चलत है, वो नहीं जान रहे थे ना, लेकिन अब भी दिखाई थे हम बस। देखो ये झंडा हुआ, झंडा कितना तेज लहरा था, उसके बाद में यहाँ देखो बड़का झंडवा देखो, अब सोच लो कि कौन मेर के हवा चलत है, यहाँ दिखाई दी थोड़ा सा, यह देखो हर 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 एकदम से चलत है, अरे हवा नहीं हुए जान ले वाला हवा चलत है एकदम से। तो चलो आज की वीडियो ही खत्म भैया, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।